नमस्कार दोस्तों, इंडसइंड बैंक के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.23% की क्लियर आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा है, अगर आप आज की कैंडल को देखेंगे तो एक डोजी कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। प्रीवियस कैंडल में जो है गैप डाउन ओपनिंग था, बहुत ही बड़ी गिरावट था। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा है, क्या स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी आएगा या गिरावट आएगा, क्या कंडीशन बनेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या बनेगा। आइए डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हैं तो आप देख सकते हो स्टॉक ने यहाँ से अपना प्रीवियस का सपोर्ट लेवल था 1337 का, इसको ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद जो एग्जैक्टली जो स्टॉक ने जो लो लगाया आप देखेंगे अपना सपोर्ट जोन के पास में, यानी कि 999 का इसका सपोर्ट लेवल है और स्टॉक इसी के पास में भी रुका हुआ है। और अभी इसी हफ्ते की जो कैंडल है आज शुरू हुआ है, देख सकते छोटा सा डोजी कैंडल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हैं तो सपोर्ट जोन के पास में। तो अगर यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न से मेरा मतलब है कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न हो, अगर आपको यहाँ पर दिखे तो फिर समझिएगा स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी का मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो अभी तक तो बना नहीं है, बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करके रख सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जब यहाँ पर कोई भी मूवमेंट दिखेगा ऊपर के साइड में तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो 1160 को फॉलो किया जा सकता है। 1160 को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर 1260 का, ठीक है। तो सभी लेवल से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ में है। इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।